दोस्तों, संबंध वशीकरण के द्वारा आप किसी भी शादीशुदा महिला को अपने वश में कर सकते हैं और उसके साथ संबंध बना सकते हैं। अगर आप भी किसी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधि के द्वारा आप किसी भी शादीशुदा महिला को अपने वश में कर पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस उपयोग को करें तो इसे सिर्फ एक ही बार करें, बार बार इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये विधि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये तुरंत ही अपना असर दिखाती है। और जो भी महिला आपके जिसके ऊपर भी आप इसको करते हैं, वो महिला आपसे दूर नहीं रह पाएगी, तुरंत ही आपकी तरफ खींची चली आएगी। इस विधि को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको उस महिला के पुराने कपड़े चाहिए होंगे, किसी भी तरीके से आपको उनका पहना हुआ कोई वस्त्र लेकर आना होगा। उसके बाद आपको अपने घर में अकेले किसी कमरे में बैठना होगा, तो अपने सामने उस कपड़े को रख लें और उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। अगर आपके पास उस महिला का फोटो है तो आप फोटो अपने सामने रख लें। अगर आपके पास प्रिंट आउट में नहीं है तो आप मोबाइल में भी फोटो निकाल के और उसे अपने सामने रख सकते हैं। इस वशीकरण की विधि में और किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक मंत्र है जिसको आपको 1000 बार बोलना होता है। ये मंत्र जब आप 1000 बार बोलते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और जिसके नाम पर आप इस मंत्र को पढ़ते हैं वो महिला आपसे दूर नहीं रह पाएगी, तुरंत ही वो आपके काबू में आ जाती है। जब भी आप उसको बुलाएंगे वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो इसे किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ। पूरी विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले महिला का पहना हुआ कपड़ा लें, उसे अपने सामने रखें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब सामने फोटो रख लें और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण 1000 बार करें। मंत्र है, ओम काम देवाय वश्यम आमुकी मम कुरोति स्वाहा। इस मंत्र में दोस्तों आपको आमुकी की जगह पर उस महिला का नाम बोलना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए कि महिला का नाम है रमा, तो आपको बोलना है ओम काम देवाय वश्यम रमा मम कुरोति स्वाहा। इस तरह इस मंत्र को आपको, जैसे कि मैंने बताया, 1000 बार बोलना है। तो 1000 बार एक ही बार में आपको बोलना होगा। जब भी आप वशीकरण की विधि करने बैठें तो ध्यान रखें आपके आसपास कोई ना हो। 1000 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको कपड़े के ऊपर फूंकना है। कपड़े पर फूंकते ही वो महिला आपके वश में हो जाएगी। जब भी आप उसे उसका नाम लेंगे वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप खुद कर सकते हैं। ये बेहद ही आसान है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और जो भी आपने उनका पुराना वस्त्र लिया होगा जिस पर आप ये उपाय कर रहे होंगे, उस वस्त्र को किसी ऐसी जगह आपको छुपा कर रखना है जो किसी को भी ना मिले। जब तक वो वस्त्र आपके पास रहेगा तब तक वो महिला आपके वश में रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये उपाय हम आपके लिए करें तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को किया और उन्हें इसका फ़ायदा भी हुआ। तो अगर आप भी सच में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे ये उपाय करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।